राजकुमार जी, केंद्र सरकार दी किसान मोर्चे नाल गलबात दी फिर पीढ़ी तैयार हो गई है, की कहोगे? भाई, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को कोरोना की तो चिंता है, लेकिन किसानों की कोई चिंता नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि इनसे बात करो, दूसरी बात में उन्होंने ये कहा है कि कोरोना का इनसे खतरा है, कि भैया आपको कोरोना से डर लगता है लेकिन उनकी फसलें नस्लें तबाह हो रही है, उनके बारे में आपको कोई विचार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोरोना महामारी से भी निपटा जाए, किसानों की बात भी सुनी जाए, और वो परेशान है और आप मुँह चढ़ा रहे हो। आप नरेंद्र तोमर जी बार बार मुंह चढ़ा करके कहते हो बात करनी है तो आ जाओ, आपके अंदर अहंकार इस बात के लिए बोलता है। आप कहते हो कि आंदोलन खत्म करके आओ, आप कहते हो कि खेती कानून वापस नहीं होंगे ये सोच करके आओ, तो फिर आपके पास आना किस लिए है? और आज भी हम मांग करते हैं कि ये खेती कानून रद्द करो, रद्द करने के बाद केंद्र सरकार दोबारा कानून बनाए, किसानों को विश्वास में लेकर बनाए, ताकि देश के अंदर सरकार के प्रति, देश के प्रति विश्वास बढ़ सके। आज किसानों को बेच विश्वासी है, किसान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उनका डर खत्म तभी हो सकता है जब कानून रद्द हो। राजकुमार जी, कोटकपुरा मामले में पंजाब सरकार से इल्जाम लग रहे हैं, की कहोगे? भाई, केंद्र दी सरकार पहले बचाती रही है बादल परिवार नू, आज हैरानगी इस गल दी है कि बादल परिवार इसलिए खुश हो रहा है कि पहले असी केंद्र च साजिश करके बच गए, हुण हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा केस गया है वह केस दे विच दोबारा सिट बनाउण दा आर्डर हाई कोर्ट ने कर दिता है। भाई, ये केस खत्म नहीं होया, तुहानू बरी नहीं कीता, तुसी दोष मुक्त नहीं होए, दोषी दोषी रहिंदा है, और ये इंसाफ ये डिले जरूर होया है, इंसाफ मरिया नहीं, और दोषी जल्दी सलाखां दे पिछे होणगे, और तुहानू बहुता खुश होण दी लोड़ नहीं है।